अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मांडा पट्टी, और मांडा पट्टी के लिए मैंने आटा गूंद लिया है। हमने ये आटा पहले से गूंद के रखा है, आधे घंटे पहले हमने गूंद लिया था। आटे के लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप और 1 टीस्पून नमक लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और मैदा लगा के और फिर ऑयल लगा के रखते जाएंगे। छोटे छोटे जितने भी आप पेड़े चाहें उतने आप बना सकते हैं। गोल गोल हम पेड़े बना के फिर इसमें ऑयल लगा के रखेंगे। ये लेंगे मैदा, छोटा सा पेड़ा बनाएंगे हम। जितने बड़े भी आप लोग चाहें इसमें आप ले सकते हैं। मैंने छोटे छोटे बनाए ताकि आराम से बेलने में आसानी हो जाए। सॉफ्ट होगा तो ज़रा मुश्किल से बिलती है, परेशानी की बात नहीं है। मैं जब तक ये बेलती हूँ दोबारा देखिए, अब ये मैंने सारी रोटियाँ एक साथ बेलनी है। अब इसके बाद जो है हम इसके अंदर ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगा के फिर मैदा डालते जाएंगे। चारों तरफ ऑयल लगना चाहिए, नहीं तो रोटी जो है जब हम निकालेंगे पका के तो ये चिपक जाएगी। बहुत अच्छी तरह ऑयल लगाना चाहिए, सब में ऑयल लगाएंगे पहले। हमने सब जगह पे ऑयल लगा लिया है, अब हम इसमें मैदा डस्ट करेंगे खूब अच्छी तरह, ऐसे ऐसे करके चारों तरफ आ जाए मैदा। अब हम इसके ऊपर ये जो मैदे वाली रोटी थी घी ऊपर होगा। इसी तरह सारी रोटियां एक दूसरे के ऊपर उठते चले जाएंगे। पहले से तवा गरम करने को रख दिया था और हम इसको अब तवे पे डालेंगे। नहीं हुई है अभी, हुई नहीं है अभी, और थोड़ी सी थोड़ा सा और हो जाए फिर उसके बाद हम इसको पलटते हैं। इसको हमने एक पलट दिया, ठीक है। यहाँ से जो ये हो गई है तो अभी इस तरह हम इसको
एक एक करके इसकी बर्फी काट देंगे। ठीक है, हो गई। दूसरी तरफ से भी हो जाएगी इसी तरह। फिर हम इसको दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। ऐसे भी हो गई है। अब इसको हम देखेंगे इस तरह किधर है। इसको हम ये देखें आप, ये हमने ऐसे निकाल लिया, ये भी आ गई। ठीक है, रेडी हो गई। ये देखें सारी पट्टियाँ हमने बना ली हैं। ये आखिरी पट्टी थी, ये भी हमने तवे से उतार ली है। और ये इस तरह करके इसको ऐसे ऐसे निकालेंगे, चिपक जाए कोई मसला नहीं है, निकल जाएगी, वो बाद में भी निकल सकती है। चलो अब हम इसको सब एक साथ रखेंगे और फिर इसकी हम कटिंग करते हैं। आपको चाहे समोसों की चाहिए या रोल पट्टी चाहिए, वो आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। ये देखें सारी एक साथ हमने कर ली। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ से हमने गले से साइड में से काटा, इधर से काटा। ठीक है, थोड़ा सा हमने इधर से काटा और यहाँ से हम थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर ली। ये जो साइडों की कटिंग होती है ये भी ज़ाया नहीं जाएगी, इसकी आप पापड़ी बना के खा सकते हैं फ्राई करके, या फिर ये दूसरे समोसों के अंदर भी रखी जा सकती है। अभी देखिए इसकी मैं इसका खानदान में शीर्ष काट रही हूँ। देखिए हो गई हमारी मांडा पट्टी तैयार है। ये देखिए हमारी मांडा पट्टी तैयार हो गई। देखिए कितनी अच्छी बनी है, बहुत हल्के हल्के हमने इसको सेका है। बस एक तरफ से मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे सेकने के लिए, और फिर आप इसको सेकते जाइए। और आपको जिस शेप में काटना है, रोल की तरह काटना है, समोसों की तरह काटना है, तो आप समोसे बनाने के लिए काट लें, रोल की तरह काट लें। ये आपकी मांडा पट्टियाँ इतनी सारी घर में देखें कितनी सारी तैयार हो जाती हैं ये सारी। बस अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके कह पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।